वक्त हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुड़ रहे हैं। बन्ना जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस समय पहुंचे वहां पर, औचक निरीक्षण आपका था सदर अस्पताल में, उसी वक्त एक मरीज की मौत हो जाती है। परिवार वाले बार बार आपसे कहते रहे कि उनको कोई अटेंड करने तक नहीं आया। क्या ये स्थिति है? रांची जो कि राजधानी है और पूरे राज्य से लोग यहां पर बहुत उम्मीद लेकर के आते हैं, उनका ये हाल? देखिए, ऐसा है कि मैं जवाब देता हूँ, थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सुनने की आवश्यकता है। यदि मुझे चिंता नहीं होती तो मैं क्यों जाकर आईसीयू में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मैं कुशल क्षेम पूछ रहा था। पूरे देश में मैं इकलौता ऐसा स्वास्थ्य मंत्री हूँ जो आईसीयू के अंदर जाकर जितने कोविड के पेशेंट हैं उनकी जो है मैं खिदमत करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनका जो है कुशल क्षेम पूछता हूँ, डॉक्टरों को जाकर व्यक्तिगत उनसे मिलकर बात करता हूँ आईसीयू में जाकर। और मैं उसी के क्रम में रैंडम चेकिंग में गया था, कुछ शिकायतें थी, उस शिकायतों के आधार पर मैं गया था। मैं जब ऊपर चेकिंग कर रहा था, मैं जब आईसीयू में था उस समय उसके 1-1.5 घंटा पहले की ये घटना है और मुझे तो ये मालूम भी नहीं था। बाद में जब मैं नीचे उतरा हूँ, और आपने एक बात और थोड़ी सी मिस्टेक, आपको जानकारी है कि मंत्री पहले बोल रहे थे, मैं जो घटना होने के बाद मैं वो वक्तव्य दे रहा था। तो मैं यदि संवेदनशील नहीं होता, सरकार संवेदनशील नहीं होती तो क्यों आईसीयू के कोविड वार्ड में हम जाके बन्ना जी, मरीजों को खोज ली संवेदनशीलता जाते? की बात, आपको लगता है कि अब भी हम संवेदनशीलता की बात करेंगे या आप कह रहे हैं कि आप कंसर्न है या नहीं? हम तो बात ये करेंगे ना कि 1 साल हो गया, सिर्फ आपकी बात नहीं है, चूंकि इस घटना का जिक्र कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूं। ये बताइए, 1 साल का वक्त था हर राज्य के पास, तैयारियां क्यों नहीं पूरी है? क्यों कमी है इस तरह की? क्यों आपको शिकायतें मिल रही हैं? देखिए, जब अचानक जो है अचानक कोविड ने जब शुरुआत कोविड का हुआ, हमारे यहाँ जो है 400 मात्र पॉजिटिव बच गए थे, 435, और अचानक जो है इस कोविड ने जिस तरीके से पूरे देश में दस्तक दी है, क्या पूरे देश की कहीं भी कोई सरकार इसको कंट्रोल कर पा रही है? हम तो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक प्रयास करें, और मुझे भी दुख है उस बहन का, जो बहन दुखी है। और मौत तो किसी की भी होती है, मौत दुखदाई है, नहीं, लेकिन और आप हम ये लोग बयान नहीं दे निश्चित सकते बन्ना गुप्ता जी कि मौत नहीं, किसी की भी नहीं। हो सकती है। आप ये बताइए, ये लड़की और आपके किसी को सामने नहीं, मैंने चीखती कहा रही, मौत, ये आप बात कहती करें रही कि तो आपके सामने मैडम, तड़प मैडम तड़प पहले, रहे थे, मैडम 60 साल के प्लीज, उनके पिता तड़प रहे मैडम थे, सामने दम तोड़ दिया उन्होंने। मैडम प्लीज, पहले आप बात को, आधी बात को मत तोड़िए, हमारी पहले पूरी बात सुनिए। मैंने कहा, मेरे शब्द को मत तोड़िए, मैंने कहा कि मौत किसी की भी होती है, मौत तो दुखदाई होती है और मौत जो है होना उचित नहीं है, लेकिन हम पूरी तरीके से ईमानदारी से कहीं पर यदि कोई कमी हुई है, खामी हुई है, तो हमने तुरंत उसी दिन उसी पल हमने आदेश निर्गत किया है इस जांच मामले में क्या आदेश दिया आपने? करके। हैं, जो ये जिस मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, इस मामले में क्या आदेश दिया आपने? इसमें आदेश हमने किया है कि तुरंत 48 घंटे के अंदर अंदर जांच करके मुझे ये स्पष्ट किया जाए कि आखिर किसकी कमी खामी थी और इसमें कहां पर कोई कमी रह गई थी और क्यों उसको अटेंड करने में टाइम लगा है। लेकिन नहीं, जब ये पहले कोई से किसी निर्देश की क्यों नहीं मौत दिया होती जा है, चुका मैडम, है? ये सभी हफ्तों होता जानते है, हैं कि मेरी इस बात वक्त का सुनिए, जो किसी स्ट्रेन की जब है। मौत होती है, जी बन्ना मैडम, या गुप्ता तो आप ही जी, बोल देखिए, लीजिए अभी जो है या आप पूरा ही बोले देश जो है ना कि वो बहुत परेशान है और दिक्कत आप लोगों दिक्कत से बहुत उम्मीदें दिक्कत ये रहती हो है। गया। मैडम सुनिएगा, बन्ना आप गुप्ता जी, सुनते देखिए, कम है, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और मंत्री, आपको भी पता है कि जब मंत्रियों का दौरा होता है तो किस तरह से पहले से पता होता है अरे अस्पताल वालों को मैडम भी, और वहां पर रैंडम चेकिंग में हम गए थे, सब कुछ दुरुस्त रहता है, और आप जैसे ही निकलते हैं ना, उसके बाद बदहाली की तस्वीरें हमें आप दिखाते हैं दर्शकों को, तो वो मैडम हमें भी पता है आप किस तरह ही, की तैयारी होती है। मैडम या तो आप ही बोल लीजिए, आप तो दिक्कत हो गया इस देश में कि एंकर जो है नेता से ज्यादा बोलने लगे हैं, आप सवाल कम पूछती हैं, अपना ज्यादा बोलने लगती हैं। यदि आप ही जो को भाषण देना है तो आप भाषण दीजिए, फिर मुझे क्यों बिठाया आपने? आप मुझसे बात करें तो मेरे सवाल का जवाब, आप देखिए छोटा देखिए सवाल छोटा हमारा पूछिए देखिए, ये खुद मैडम। जनता, देखिए, ये हम अपने से नहीं पूछ रहे हैं, खुद नहीं खुद नहीं जनता आप का तो क्या आपको हाल तो लंबा है भाषण दे रही हैं, जनता? मैं आप भाषण मुझे, बिल्कुल नहीं दे रही, आप नहीं, तस्वीरें देखेंगे, उसके बाद आप आप कह रहे हैं मुझे, 48 घंटे का आपने दे दिया है कि 48 घंटे नहीं, बाद जांच करें, आपने मुझे किसी की जवाब जान देने जा का रही है, मौका ही नहीं किसी बोल को रही हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कोई हजारीबाग दिक्कत से ये हो पहुंचा गया है है कि दिखाने के लिए अब अपने आपको बोलना है तो आप पेशेंट ही को। बोल लीजिए, बिल्कुल फिर नहीं, मुझे मुझे बुलाने बिल्कुल की नहीं कोई बोलना आवश्यकता है, ही नहीं है। लेकिन तो मैं टू द पॉइंट आपसे जानना चाहती हूँ, आप टू दी पॉइंट मैं पूछिए टू ना द पॉइंट क्वेश्चन, आपसे जानना टू चाहती दी हूँ पॉइंट कि इस क्वेश्चन मामले में क्या किया पूछिए। आपने? आपके सामने उस आपके सामने ये बेटी चीख अरे रही आपका थी, थोड़ा रो रही व्याख्यान थी, कर क्या रहे किया लगी है, आपने?
आप खुद प्रिंसिपल की तरह व्याख्यान करने मैं लगी। बिल्कुल आप बिल्कुल प्रिंसिपल की टू द तरह पॉइंट नहीं, पूछ ना मुझसे, आप टू द पॉइंट पूछिए, मैं टू द पॉइंट मैं जवाब टू द दूंगा। पॉइंट आप तो आपसे लंबा यही चौड़ा पूछ पंद्रह रही हूं मिनट तो कि इस आप ही मौके बोलिएगा। पर जब आप पहुंचे, आपके सामने एक शख्स मर गया, उसकी बेटी तड़प तड़प कर आपसे बोल रही थी कि मैडम मुझे बोले कोई हमको सुनने नहीं दीजिएगा आया। तब ना बोलेंगे, आप बताइए आप इस ही मैटर पे, बोलिए बताइए फिर, बोल बताइए लीजिए, आप ही बोलते रहिए। बताइए जवाब बताइए, इस दीजिए, मैटर पे आपका क्या किया चैनल आपने, है, बताइए। आपका चैनल, आपकी टीवी है, बोलते रहिए आप, फिर आप मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मंत्री ठीक जी, है? मैं वैसा मंत्री स्वास्थ्य जी मंत्री नहीं सुनिए आप हूँ, मेरी मेरी बात बात सुनिए मैडम। सुनिए, वहां भी आपके लोग ही बोल रहे थे इनको कि आगे चलिए आगे चलिए, वो भी हमने मैं सुना है, कोई इसीलिए कोई प्लीज हमारे आप लोग नहीं बोलिए। बोल रहे थे, आप गलत बोल रही हैं। वहां पर प्रेस के लोग थे, प्रेस वाले लोग बोल रहे थे, आप गजब बात चलिए करती ठीक हैं, है ठीक है, आप आप गजब बताइए, पहली ठीक है आप बात आप बताइए, बोल। इस मामले में क्या मैडम कार्रवाई हुई देखिए, है? पहली बात, मैं वहां किसी को बता के नहीं गया था, मैं वहां रैंडम चेकिंग में गया था, और मैं वहां कोविड के आईसीयू वार्ड में मैं मरीजों को देख रहा था, वहां पर मैं था। मुझे नहीं मालूम है कि नीचे की परिस्थितियां क्या हुई है। बाद में जब मैं वहां से उतरा हूँ तब मुझे ये पता चला है, उस बहन को दुखी देखा हूँ, उसको रोते हुए देखा हूँ। तो मैडम अब आप एक बात ये कह रहे हैं कि मंत्री जाते हैं तो लोग सुधार देते हैं। अरे भाई, मैं रैंडम चेकिंग में गया हूँ, किसी को मालूम ही नहीं था कि बन्ना गुप्ता आया है, कोई जानता ही नहीं था वहां बन्ना गुप्ता पहुंचा है। हम तो चुपचाप कोविड वार्ड में आईसीयू में पड़े हुए थे, और यदि कोई कमी खामी हुई है, यदि गड़बड़ी हुई है, तो उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करने से नहीं चुकेंगे मैडम। आपके रैंडम चेकिंग से आपको आपको कुछ वहां पे सदर अस्पताल में खामियां कुछ बिल्कुल दिखी, या आपको लगा सब बिल्कुल दुरुस्त दिखा, है? बिल्कुल दिखा, बिल्कुल दिखा। मैं देखिए, मैं वैसा लोग नहीं हूं, यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। यदि गलती हो रही है तो हम उसके लिए क्षमा भी मांगेंगे, और गलती का रियलाइज नहीं हो इसके लिए काम करेंगे नहीं तो हम जो है। एक जो सीधी सी बात है, जो बार बार ये लड़की चीख रही है और उसके आंसू बता रहे हैं कि कोई अटेंड तक नहीं करने आया, काफी देर तक मैडम उसके वही पिता तो बात तड़पते रह है, गए, यदि इस पर आपने क्या संज्ञान लिया? आपने डॉक्टरों से पूछा, आपने वहां पर जो लोग थे उनसे पूछा, क्या बताया आपको? मैंने लिखित प्रतिवेदन आते के साथ मैंने लिखित भेज दिया, और 48 घंटे के अंदर अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी है। यदि आप चाहेंगे तो लिखित की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपने जो लिखित की कॉपी मांगी है ना, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम दोबारा सुनवाते हैं, इस लड़की का दर्द आप सुनिए, अरे भाई आप क्या सुन जिसके रहे हो, परिवार में मैं ये सुन घटना रहा घटी है, हूँ। पहले वो सुनिए। मंत्री जी कह रहे हैं आप मर गए डॉक्टर के बिना। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, क्या करें क्या चलिए क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। तड़प तड़प के मरे हैं, पापा को वापस कर पाएंगे? मैं पापा को वापस कर पाएंगे? वोट लेने के लिए से बात है, कोई नहीं यहाँ पे देखने के लिए खाली। मंत्री जी कह रहे हैं मर गए, क्या कहेंगे मंत्री जी आप? झारखंड की इसको जनता को कि क्या मंत्री कहेंगे जो पूरी उम्मीद लेकर रांची पहुंचता है? मेरी बात सुनिए, आप तो ये कह रहे हैं कि मंत्री के सामने तड़प तड़प के आदमी मर गया, मुझे तो जानकारी ही नहीं है। अब कोई जबरदस्ती जो है हमारे ऊपर कोई चीज थोप देगा, जब मैंने आपको सारी बात बता दिया कि मैं कोविड आईसीयू वार्ड में मैं मरीजों से मिल रहा था, डॉक्टरों के साथ मैं उपस्थित था, मुझे ये जानकारी ही नहीं थी कि कोई घटना हुई है। चलिए लेकिन फिर भी यदि कोई घटना हुई है तो उसकी जांच होगी, और जांच होने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी, चलिए हम और उम्मीद कम किसी से तरह कम की करेंगे कमी कि खामी है। ये जांच बहुत बहुत मैं ये लंबी कहां ना चली इनकार जाए कर और रहा हूं, आगे इस तरह की घटना ना हो। मैं ये कहां इनकार कर रहा हूं कि कमी खामी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि कमी खामी है, तभी ना रैंडम चेकिंग के लिए जा रहे हैं, और मैं पहला स्वास्थ्य मंत्री हूं इस भारत का। आपके चैनल में ठीक है एक भी जी, कोई स्वास्थ्य मंत्री है जिसने कोरोना में कोविड वार्ड में आईसीयू में जाकर बिल्कुल मरीजों से चलिए कुशल आगे क्षेम से पूछा हम है? यही उम्मीद करेंगे कि आप आप अपने ये फोन सुनिश्चित में करें अपनी कि टीम आगे में से इस लगाइए तरह हम की घटना झारखंड में कम से कम ना हो दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।